एवं समस्त कर्मचारियों को मैं स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्षगांठ पे मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। मेरे साथ आए हुए मेरे बड़े भाई श्री बाल गोविंद चौधरी जी, श्री कृष्णकांत शर्मा जी, भगवती प्रजापति जी और मेरे छोटे भाई श्री गुटपाल जी, पंकज शर्मा जी, अरविंद पांडे जी एवं अन्य सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको भी बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा और मैं अपने टीम के सबसे चहेते भाई श्री सत्येंद्र राय जी का कि जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पर आ पाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और लाने वाले आप हैं। इसलिए सबसे विशेष आभार हम आपका प्रकट करते हैं कि अगर आप हमें न कहते तो हम इस पावन मंदिर में हम नहीं आ पाते। और आपको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस पुण्य अवसर पे हमें यहाँ आने का आपके माध्यम से मौका मिला। यहाँ पर विद्यालय में उपस्थित समस्त होनार बच्चे बालिकाएं बालिकाओं को मैं बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप यहाँ से निकले तो एक अच्छे इंसान के साथ साथ अपने आपको आप एक जिस क्षेत्र में आपको जाना है आप उस क्षेत्र में अपने मुकाम हासिल करिए और अपने विद्यालय का नाम रोशन करिए। जिस तरह से सबको मालूम है कि आज हम लोग 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, कितने महान पुरुषों ने और कितने लाखों करोड़ों युवाओं ने बलिदान दिया, कितने माताओं बहनों ने, कितने छोटे बच्चों ने बलिदान दिया, उसके बाद जाके हमें आज़ादी मिली। आज हम 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि हम उन सूरवीरों को याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे आज़ादी का एक इतिहास है उस तरह से सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर का भी एक इतिहास है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि सन 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ निष्ठावान